बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और बेटियों। मैं आज आपको एक छोटी सी रेसिपी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन हर खुशी के मौके पर बनाई जाती है, ठीक है जी। या कोई जल्दी से जल्दी कोई मेहमान अगर आ जाए, ये आनन फानन, तो 5-10 मिनट में जो है ना वो बन जाती है। ये है सेवियां, जिसको शीर खुरमा भी कहते हैं। तो ये मैं जो है ना वो आपको रेसिपी दे रहा हूँ, छोटी सी है, तो चलो टाइम पास हो जाएगा आपका भी मेरा भी। तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगा हूँ। जो चीज़ें इसके लिए चाहिए वो मैं आपको जो है ना वो दिखा रहा हूं कि क्या चाहिए, ठीक है। तो ये ले जी, ये देखें, मैंने सबसे पहले जो है ना ये सेवियां ले ली हैं, ये ठीक है। ये तकरीबन मैं थोड़ी सी बनाऊंगा, ये जो है ना अपने लिए तकरीबन कह लो के 50-100 ग्राम तक, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये चीनी ले ली है, ये दूध ले लिया है, तकरीबन 800 मिलीलीटर दूध है। इसके लिए मैंने गार्निश के लिए और जो है ना ये बादाम ले लिए, पिस्ता ले लिए, अच्छा अखरोट के जो है ना अखरोट ले लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये खजूर है, खजूर मैंने ले ली है, अच्छा ये जो है ये खोपरा के जो है ना बरौदा है, ये थोड़ा सा ले ली है। उसके बाद जो है ना ये कार्डामो, ये जो है ना छोटी इलायची जो है ना छोटी इलायची का जो है ये वो क्या कहते हैं पाउडर, ठीक है। क्योंकि इलायची जो आप साबुत इलायची जब डालते हैं ना इसमें क्या कहते हैं खीर में, या आपने सेवियां या ऐसे कोई बनाते हैं, तो जो जब वो आपके मुंह में आती है वो इलायची, तो वो जो है ना वो बहुत ही अजीब सा जो है ना उसका टेस्ट बनता है। तो मैंने पाउडर जो है ना ये डाला करें, ये बेहतर रहता है, ठीक है। लो जी, इसमें मैंने दूध जो है ना तकरीबन 800 मिलीलीटर दूध डाल दिया, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊंगा ताकि जो है ना ये क्या कहते हैं सिर्फ जो है ना कैसे शीर खुरमा बनाया जाता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये बादाम को आप ऐसा छोटा छोटा काट लें, ये लंबे तर्ज के जो है ना ये देखें ऐसे जो है, ठीक है। ये आप काट लें इसको, ये देखें बस ऐसे ही जो है, ऐसे ही ये जो पिस्ता है पिस्ते को भी जो है ना ये ऐसे लंबा करके बिल्कुल पतला पतला काट लें इसको जो है, क्योंकि ये देखें ये आप इसको जो है ना ये गार्निश के लिए जो है आपको ज़रूरत हो गई तो कुछ उसमें डाल दें और कुछ ऊपर जो है ना, ठीक है जी। लो जी, ये जो खजूर है इसको हम जो है ना ये पतला पतला काट लेते हैं, ये ऐसे जो है ये देखें ये, ठीक है ये। और ये खजूरें जो है ना ये सब इससे गुठली निकाल लें, ये जो है ना, ठीक है। तो इसको पतला पतला काट के जो है ना ये अभी दूध में डाल दें, ठीक है जी। ये हमने दूध में डाल देनी है, ठीक है। ये लें जी,
ये खजूरें हमने डाल दी हैं दूध में। लो जी ये चीनी इसमें जो है ना, ये आप डाल दें इसमें चीनी। तो कुछ ये जो ये खोपरे का जो है ना बुरादा, ये भी आप थोड़ा सा इसमें डाल दें, कुछ ऊपर गार्निश के लिए रख लें। अच्छा ऐसे ही जो है ये क्या कहते हैं अखरोट, ये भी आप डाल दें और कुछ ऊपर के लिए रख लेते हैं। ठीक है जी, आग इसकी जो आंच है ये बिल्कुल जो है ना ये हल्की कर दें। ये लें जी, ये हो गया जी। अच्छा ये दालचीनी का जो है ना ये पाउडर थोड़ा सा इसमें डाल दें जी। अभी आप सेवियां इसमें ऐड करें। ये लें जी, बस बहुत हो गए। ठीक है, इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने दें। जो 10 दिन की जी फैट इसकी नूडल सेमियाँ, इनको आप इधर इसमें डाल दें। ठीक है जी, ये लें जी, ये आपका जो है ना सेमियाँ तैयार हो गई हैं। तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं सब। ये तैयार हो गया। ये जितना भी माल है ये सब इकट्ठा करके इसके ऊपर डाल दें। ठीक है, ये लें जी। बस ये ठीक है। तो ये आपका शीर खुरमा बन के तैयार हो गया जी, मज़े करें। लो जी शीर खुरमा बन के तैयार हो गया। अगर मेरा चैनल आपको पसंद लगता है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अगर कमेंट्स में कुछ ना कुछ अपनी कीमती राय लिखें तो मुझे खुशी होगी। ओके, खुदा हाफिज़।